एंटीबॉडी बोल रहे लास्ट टाइम मैंने एंटीबॉडी थोड़ा सा डिस्कस किया था, क्वेश्चन के बाद देख लीजिए एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी क्या है, इनका दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, और इम्यून सिस्टम से संबंधित प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम दिखाया गया था इम्यूनोग्लोबिन, एक नाम इनका और था ग्लाइकोप्रोटीन। नेचर कैसी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, टी सेल्स से। ठीक है, कौन फॉर्मेशन करता है, टी सेल्स। जब कोई एंटीजन बॉडी में अटैक करेगा तो आपकी टी सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। किसकी मदद से एंटीबॉडी बनाते हैं, किसकी मदद से, टी सेल की मदद से बनाते हैं। ठीक है, टी हेल्पर सेल बोलते हैं इसको, तो उसकी मदद से क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। ठीक है, एंटीबॉडी में स्ट्रक्चर देखिए, एंटीबॉडी का फॉर्मूला होता है H2L2। क्या बोलते हैं, H2L2। चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन की चार चेन है इसमें, दो हैवी दो लाइट, इसलिए क्या बोलते हैं, H2 का मतलब हैवी चेन, H का मतलब हैवी है यहाँ पर, 2 का मतलब दो, कितनी हैवी चेन्स, दो, और दो लाइट चेन्स। ठीक है, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। तो डायग्राम देखिए, इस तरीके से बताया था आपको, ये वाली चेन जो इनसाइड है ये क्या है, हैवी चेन है, और ये बाहर की साइड में जो चेन बनाया प्रोटीन का, ये लाइट चेन है। तो एक और दो लाइट चेन और दो, ये क्या हो गया, हैवी चेन हो गया। ठीक है, हैवी चेन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड ज्यादा होंगे इसलिए उसको हैवी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, और लाइट में अमीनो एसिड क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बोलेंगे प्रोटीन की चेन में जो चेन होती है उसमें एक साइड को बोलते हैं एंड टर्मिनल, एक साइड को क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल, बताया था मैंने, ये क्या है, एंड टर्मिनल यहाँ पर होता है इसका सी टर्मिनल, एंड टर्मिनल ये है इसका, ये सी होगा, ये सी, और यहाँ पर क्या होगा, एन, एन का मतलब अमीनो टर्मिनल। समझ में आ रहा है, ये प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर देख लीजिएगा जिसको नहीं समझ आएगी। इसके बाद ये जो चेन होती है ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड देखिए, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया और एक और बनाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, दिख रहा है SS बॉन्ड, S डबल बॉन्ड S, कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं टोटल, टोटल देखा जाएगा तो देखिए एंटीबॉडी में मैक्सिमम टोटल 16 हो सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, एंटीबॉडी में मैक्सिमम कितने होते हैं, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, बॉन्ड्स 16, जिसमें से 12, देखिए कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे होंगे जो हैवी और हैवी चेन्स के बीच में होंगे, दो हैवी चेन्स के बीच में है, कितने होते हैं ऐसे, दो, कितने होते हैं, दो, तो इसमें से 16 में से देखिए 16 में से आपको लेंगे 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, दो SS बॉन्ड किसके बीच में है, दो बॉन्ड आपको किसके बीच में मिलेंगे, बिटवीन हैवी चेन्स, हैवी चेन्स के बीच में मिलेंगे। समझ में आया, मैंने दो दिखाया है, ऐसे ही टोटल दो बॉन्ड किसके बीच में मिलते हैं, लाइट और हैवी, लाइट और हैवी के बीच में टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड, दो, देखिए एक इधर दिखाया एक उधर दिखाया। ठीक है, तो 2 लिखिएगा इसको, 2, ठीक, और फिर 2 डाइसल्फाइड किसके बीच में मिलेगा, 2 SS बॉन्ड मिलेगा बिटवीन हैवी, हैवी एंड लाइट चेन, हैवी और लाइट चेन के बीच में भी 2 होंगे टोटल, काउंटिंग में 4 होंगे टोटल, बाकी बचे 12, 12 कहाँ रहते हैं, इन द लाइट एंड हैवी, लाइट और हैवी के अंदर रहेंगे, आप वो बीच में नहीं रहेंगे, बीच में नहीं रहेंगे कि हैवी और हैवी के बीच में है, हैवी लाइट के बीच में नहीं। ठीक है, वो कहाँ रहेंगे, वो रहेंगे इसके अंदर, देखिए अब उनको अलग से बना रहे हैं, ये देखिए ये SS बॉन्ड हो गया, एक ये हो गया, ऐसे में यहां बना दे रहा हूं, ये देखिए S डबल बॉन्ड S, ये हो गया, दो जगह मैंने बना दिया है, एक के देख रहे हैं, ये लाइट के अंदर है, ये किसी के बीच में नहीं है, ये दो चेन के बीच में, एक ही चेन में, सिंगल चेन में, चाहे वो लाइट में हो चाहे हैवी में। ठीक है, तो एक चेन के अंदर है, और बाकी ये वाले क्या थे, दो चेन के बिटवीन थे, तो 12 रहेंगे, 12 डाइस SS बॉन्ड किसके बीच में रहेंगे, एंड हैवी
उसके बीच में नहीं बोलेंगे, हैवी में और लाइट में टोटल मिला करके 12, बीच में कितने हो गए 4। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हैवी चेन्स के बीच में कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो बताएंगे 2, हैवी और लाइट के बीच में 2, टोटल 4 ऐसे हो गए। ठीक, समझ में आया? इसको जल्दी लिख दीजिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी जो होती है, ठीक है, एक चीज और देखिए, एंटीजन जो होता है, एंटीजन कोई भी एंटीजन, एंटीजन आपको बता दिया क्या होता है, कोई भी चीज जो बॉडी के लिए फॉरेन है, बॉडी के लिए जो फॉरेन है वही एंटीजन है, उसमें पैथोजन भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंटीजन जो होते हैं, ठीक है, एंटीजन के सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, क्या होती हैं प्रोटीन्स, जैसे वायरस का आपने देखा होगा, वायरस के सरफेस पर क्या होती हैं प्रोटीन्स होती हैं, ये पैथोजन मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन होगा बाहर का, क्या होगा सेल मेम्ब्रेन, उसकी सेल मेम्ब्रेन पर कुछ क्या लगे होंगे स्पेशल प्रोटीन्स, तो एंटीजन कोई भी एंटीजन एंटीजेनिसिटी कैसे कॉज करता है, कैसे वो डिजीज कॉज कराता है, उसकी सरफेस पर क्या लगी होती है प्रोटीन्स लगी होती है, समझ में आया, क्या होती है प्रोटीन्स, जिसकी वजह से वो क्या करता है एक एंटीबॉडी से बाइंड करता है, क्योंकि जानते हैं एंटीबॉडी एंटीजन को मारती है ना, कैसे मारती है, कैसे किल करती है, एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करती है और तब एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है, समझ में आ रहा है, ये एंटीजन है, ये क्या है एंटीजन है, कोई पैथोजन है, इसके सरफेस पर ये क्या हो गया प्रोटीन्स हो गया, ठीक, ये प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन है, ये यही प्रोटीन एंटीजेनिसिटी को कॉज करती है, एंटीजन की सरफेस पर जो प्रोटीन है वही डिजीज कॉज कराती है, ठीक। अब ये एंटीजन इस एंटीबॉडी पर कहाँ बाइंड करेगा, किस जगह बताइए बाइंड करता है, यहाँ पर बाइंड करेगा, ये साइड देख रहे हैं, ये वाली साइड जो है ये, यही क्या है एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर ये क्या है एंटीजन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट है, ठीक है, कहाँ होती है वेरिएबल रीजन में कि कॉन्स्टेंट रीजन में, ये अब बताया था मैंने वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट नहीं, एंटीबॉडी का कुछ हिस्सा ऊपरी हिस्सा ऐसा होता है जो वेरिएबल पार्ट होता है, वेरिएबल का मतलब समझ रहे हैं कि जितने भी एंटीबॉडी होती हैं, जितने भी होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग एंटीजन को अलग अलग पहचानती हैं, क्या ये एंटीबॉडी सारे एंटीजन को मार सकती है, हर बीमारी के पैथोजन को नहीं मार सकती है ना, सबके लिए नहीं है ना सेम, अगर सबके लिए सेम होती तो इनेट इम्यूनिटी हो जाती, इसलिए तो एडेप्टिव है, एक्वायर्ड का मतलब ही तो ये होता है कि अलग अलग पहचानना, अलग अलग एंटीबॉडी अलग अलग पैथोजन को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, यहाँ पर जितनी भी एंटीबॉडी होती है उसमें पीछे का जो पार्ट होता है ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट का मतलब इसमें अमीनो एसिड वैरी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर अमीनो एसिड आपका वैरी करेगा, अलग अलग अमीनो एसिड लगे रहेंगे अलग अलग एंटीबॉडी में, इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल रीजन, बाकी सारा क्या होता है कॉन्स्टेंट रीजन, समझ में आ रहा है, ये पार्ट है वेरिएबल रीजन, इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन में ही क्या होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट लगी होती है, साइट का मतलब वो जगह है, जैसे एक लॉक होता है उसमें एक की सेट हो जाती है जाकर के, तो इसको समझिए लॉक है, और ये देखिए एंटीजन की सरफेस पर जो प्रोटीन ये की है, ये जाकर के उस पर सेट होगा तब जाकर के एंटीजन बाइंड करेगा, ये प्रोटीन एंटीजन उस पर बाइंड करेगा, एंटीबॉडी के साथ जुड़ेगा, समझ में आ रहा है, तो इन प्रोटीन्स को बोलते हैं, इनका नाम होता है, इनको बोलते हैं एपिटोप, क्या बोलते हैं पढ़ा किसी ने एपिटोप, पैराटोप और एपिटोप बोला जाता है, एपिटोप क्या है एंटीजन के सरफेस पर जो प्रोटीन्स है एपिटोप है, आखिर ये एंटीजन ये पैथोजन ये एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा रिएक्शन, प्रोटीन्स करेगा ना, ये प्रोटीन यही एंटीजन तो जाकर उसमें सेट होगा नहीं होगा, तो उसमें इस एंटीजन का बैक्टीरिया का कौन सा हिस्सा सेट होगा उसमें, यहाँ जाकर के बाइंड करेगा, ऐसा नहीं होता लाइन की तरीके से नहीं होता है, तो आपको समझने के लिए बनाया गया है, ठीक है, बुक में डायग्राम देखिए बना होगा कौन कह रहा है इसका ये कैसे बना होता है, ठीक है, ये लॉक समझिए, और इसमें ये प्रोटीन जो है वो की है, एंटीजन के ऊपर प्रोटीन है जिनको क्या बोलते हैं एपिटोप, ठीक, और एंटीबॉडी के ऊपर क्या होता है एंटीबॉडी, ध्यान रखिएगा एंटीबॉडी
कंटेन पैरा टो, क्या होता है स्पर पैरा टो, मतलब जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना इसी को बोलते हैं पैरा टो, यही है पैरा टो, ये क्या है एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये इतना ध्यान रखना है कि पीटोप और पैराटोप क्या होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपका एंटीबॉडी हो गया, ये हो गया एंटीबॉडी, वाई शेप होता है एंटीबॉडी, कैसा होता है वाई शेप, यहाँ पर एंटीबॉडी हो गया, इस पर जब एंटीजन आकर के बैठेगा तो उसका कौन सा वाला हिस्सा इसके साथ सेट होगा, एपिटोप सेट होगा, एपिटोप प्रोटीन है और इसका कौन सा पार्ट अटैच करेगा एंटीबॉडी का, पैराटोप, ऊपर का हिस्सा पैराटोप बोला जाता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट से को बोलते हैं, समझ में आ रहा है। और एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर वाई शेप होती है, ठीक है। इसके बाद एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी होती है इनको अलग अलग टाइप में पांच तरीके के एंटीबॉडी टोटल होती है, किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है तो देखिए, जो एंटीबॉडी होती है इसमें क्या होता है, हैवी चेन होता है, हैवी चेन्स होती है दो, कितनी होती है दो, और लाइट चेन कितना होता है दो, दो लाइट चेन। एंटीबॉडी को क्लासिफाई किया, पांच तरीके की एंटीबॉडी बनाई गई है टोटल होती है, किसके बेसिस पर, हैवी चेन के बेसिस पर, किस तरीके का हैवी चेन लगा, कौन सी हैवी चेन है, तो हैवी चेन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैवी चेन क्या है, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है फॉर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को क्लासिफाई करने का बेस है, इसी के बेसिस पर एंटीबॉडी को क्या करते हैं, पांच ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा ये क्या है, बेस फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन का ये बेस है, इसी के बेसिस पर करते हैं हैवी चेन, कैसी हैवी चेन। ठीक, अब देखिए हैवी चेन के टाइप, अगर मान लीजिए यहाँ पर गामा हैवी चेन है, ये क्या है गामा, हैवी चेन का अगर नाम गामा, कुछ हैवी चेन होती है उनको क्या बोलते हैं, गामा हैवी चेन, ठीक है, तो उसमें आप एंटीबॉडी का नाम क्या रखेंगे, आईजीजी, पढ़े हैं ना आईजीजी एंटीबॉडी होती है, आईजीजी को आईजीजी क्यों कहते हैं, आईजी क्यों बोलते हैं, आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबिन, और जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें गामा चेन लगी, कौन सी गामा चेन, हैवी चेन, हैवी चेन का नाम यहाँ क्या है, गामा चेन है, समझ में आ रहा है। अभी इनको भी डिटेल करना है, पहले देख लीजिए, इसके बाद एक होता है आईजीए, आईजीए, आईजीए में कौन सा होता है, अल्फा चेन, क्या होता है अल्फा चेन, यहाँ लिखेंगे अल्फा चेन है अगर तो उसका नाम क्या होगा, ये अल्फा लिखा मैंने, चेन का नाम क्या है अल्फा चेन, ठीक है, तो आई जी ए एंटीबॉडी का ए फॉर अल्फा, जी फॉर गामा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर डेल्टा चेन है, क्या है डेल्टा है, ये है डेल्टा चेन, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा टी, टी फॉर डेल्टा, आई जी डी होता है, आई जी डी एक एंटीबॉडी होती है ना, उसमें कौन सी चेन होती है, हैवी चेन, डेल्टा हैवी चेन, ठीक है। इसके बाद अगर म्यू है, क्या है म्यू, ठीक है, मान लेते हैं यम म्यू, म्यू चेन है तो आईजीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आईजीएम, यम फॉर म्यू चेन, उसमें कौन सी चेन है, म्यू चेन, ठीक है। और अगर एप्सिलॉन चेन है, एप्सिलॉन फिजिक्स में है ना, समझते हैं ना, एप्सिलॉन अगर चेन है, ये है एप्सिलॉन चेन, तो हो जाएगा ई फॉर एप्सिलॉन और आई जी ई, क्या हो जाएगा एंटीबॉडी का नाम, आई जी ई हो जाएगा, ठीक है। अरे पांच एंटीबॉडी पर क्वेश्चन बहुत आता है, इसमें से कौन सी एंटीबॉडी क्या करती है वो समझ लीजिए, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आया, किसके बेस पर एंटीबॉडी क्लासिफाई करते हैं, सारी एंटीबॉडी में क्या क्या डिफर करता है, दो चीज डिफर करता है, एक तो एंटीजन बाइंडिंग साइट डिफर करते हैं सभी में, वेरिएबल पार्ट का, एक आपका ये चेन डिफर करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आईजीजी है, ठीक है, आपकी बॉडी में आईजी, क्या सारी आईजीजी एक जैसी होती है, सोच के बताइए, क्या सारी, पहला बेस तो ये है ना कि पांच तरीके की एंटीबॉडी क्यों बनाई गई, क्योंकि हैवी चेन सब में अलग अलग है पांचों, ठीक।
अब ये मान लीजिए आईजीजी है, ठीक है, सबसे ज्यादा यही होती है, तो जितनी आईजीजी होती है क्या सब एक जैसी होती है? अगर सब एक जैसी होती ना तो ये पैथोजन पहचान नहीं पाती कि ये टाइफाइड का पैथोजन है, इसके लिए स्पेशल एंटीबॉडी बनाना है, ठीक है, इस पर एंटीबॉडी तो है ही है, फिर टाइफाइड का पैथोजन है इसको ऐसे मारना है, ये पोलियो का पैथोजन है इसको ऐसे मारना है, नहीं ना? तो इनके अंदर चूंकि ये आईजीजी जितनी भी होती हैं सब अलग अलग होती हैं, सारी आईजीजी क्या हैं? अलग अलग हैं। अब इसमें बताइए इसमें अब अलग क्या है, सारी आईजीजी में क्या अलग होता है? एंटी ऊपर वाला हिस्सा अलग है, बल्कि क्या अलग होता है? जितने भी एंटीबॉडी हैं सारी आईजीजी डिफरेंट टाइप की आईजीजी हैं, डिफरेंट टाइप की आईजीजी हैं, सब में अलग क्या है? सब में अलग है वेरिएबल पार्ट, सब में ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा शरीर में अलग होता है, अदरवाइज सारी तो सेम हो जाएंगी, तो ये सबको सेम तरीके से ट्रीट करेंगी ना, तो फिर ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहाँ आ जाएगी? एक्वायर्ड तो स्पेसिफिक होती है, सबके लिए अलग अलग होती है ना, सभी में क्या होगा वो वेरिएबल पार्ट डिफर करेगा, ध्यान रखना। और क्या होता है सबसे ज्यादा एंटीबॉडी 80% यही होती है, 80% क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा मिलने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? आईजीजी। कहाँ होती है? आपके बॉडी फ्लूइड में होती है। कहाँ? बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड से मतलब ना ब्लड, क्या है बॉडी फ्लूइड तो ये ना ब्लड और लिम्फ, तो ये कहां होती है? इन बॉडी फ्लूइड में मिलेगा, बॉडी फ्लूइड्स में मिलेगा, ठीक है, ब्लड और लिम्फ में मिलेगी एंटीबॉडी। दूसरा क्या होता है, क्वेश्चन आता है कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर जाती है? आईजीजी। यही क्रॉस करती है, मतलब मदर जब बच्चा फेटस लाइफ में होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से यही एंटीबॉडी क्रॉस करती है, मदर में एंटीबॉडी रहती है, बच्चे को इम्यूनिटी कैसे मिलता है? बच्चे को इम्यूनिटी कैसे मिलता है? इसी से मिलता है, तो क्रॉस द प्लेसेंटा, ये क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। सर जी वो तो एनर्जी अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलता है, एनर्जी की बात नहीं कर रहे हम, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी कैसे मिलेगी? इम्यूनिटी ये मिलेगी, मान लीजिए कोई पैथोजन प्लेसेंटा को क्रॉस कर गया है, ठीक है, यूट्रस लाइफ में बच्चे को इम्यूनिटी, हालांकि यूट्रस लाइफ में इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते हैं, मान लीजिए कोई पैथोजन क्रॉस करेगा प्लेसेंटा से तो उस पैथोजन को मारने का, इसको कम करने की कोशिश कौन करेगा? ये, क्योंकि उसकी बॉडी में तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं है, बच्चे में इम्यूनिटी नहीं डेवलप है, उसको कहाँ से इम्यूनिटी मिलेगी? एक एंटीबॉडी आएगी ना, कौन सी एंटीबॉडी आएगी? जी जिसके थ्रू प्लेसेंटा से आएगी मदर से, तब इम्यूनिटी मिलेगा, समझ में आ रहा है? ये हो गया, और इसके बारे में और कुछ बताइए आईजीजी के बारे में, दो चीजें हो गया, सबसे ज्यादा मिलने वाली एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा, और क्या है? और ये है देखिए, ये लिखिएगा मोनोवैलेंट, कैसी नेचर की है? मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट होती है, मोनोवैलेंट का मतलब समझ लीजिए यही जो डायग्राम आपको बनाते हैं यही मोनोवैलेंट है, एक सिंगल वाई शेप स्ट्रक्चर है ना, कितनी वाई है? एक वाई है, तो सिंगल वाई, अगर कहीं पर सिंगल वाई शेप स्ट्रक्चर है तो वो मोनोवैलेंट माना जाता है, कौन सा? सिंगल वाई शेप स्ट्रक्चर। इसमें बताइए कितने इसमें पैराटोप होंगे, अगर पूछ लिया जाए कितने पैराटोप होंगे इस वाली एंटीबॉडी में, कितने पैराटोप? दो पैराटोप। कितने हैं? दो, देखें ना, एक पैराटोप ये है, एक ये है, टू पैराटोप, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, चाहे इसमें टोटल कितने होंगे? 16, ठीक है, 16 होंगे। दूसरा एंटीबॉडी आईजीए एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं सीक्रेटरी एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं? सीक्रेटरी एंटीबॉडी, क्यों? क्योंकि ये बॉडी के सिक्रीशन में मिलती है, बॉडी के सिक्रीशन का मतलब म्यूकस में मिलेगा, ये सलाइवा में मिलेगा, ठीक है, इसमें मिलेगा, म्यूकस में मिलेगा, ये बॉडी का सिक्रेशन है ना, सलाइवा बॉडी का सिक्रेशन होता है, और कोलेस्ट्रम बोला जाता है कि जो है कोलेस्ट्रम, सबको पता है क्या होता है, येलो स्मेल, कौन सी एंटीबॉडी आती है? मदर के ब्रेस्ट रिलीज होती है, ब्रेस्ट फीडिंग जब चाइल्ड करता है तो कौन सी एंटीबॉडी मिलती है उसको? ये वाली आईजीए, क्योंकि मिल्क का सिक्रेशन होता है,
मिल्क जब मेमोरी ग्लैंड से रिलीज होता है तो मिल्क का सिक्रीशन बोला जाता है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये कहाँ, ये आपको बॉडी ब्लड में नहीं मिलेगी, ये सॉरी ये आपको ब्लड में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये बॉडी का सिक्रेशन के हिसाब से कहाँ मिलेगा, सिक्रेटरी एंटीबॉडी। और इन्फेंट को शुरुआती दौर में ही इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल में है, सबको पता है कोलेस्ट्रॉल में होता है, ठीक। इसका ये स्ट्रक्चर देखिए कैसे होती है, डाइवेलेंट है, ये क्या है डाइवेलेंट समझते, देखिए डाइवेलेंट का मतलब इसमें दो वाई सेप स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए एक ये हो गया एक ये हो गया, दो वाई लगेगी, दोनों वाई प्रोटीन की चेन से जुड़ी हुई है, ये क्या है प्रोटीन चेन, ये प्रोटीन की चेन से दोनों वाई जुड़ गया तो डाइवेलेंट बना लेना, डाइवेलेंट डाइवेलेंट का मतलब क्या, दो वाई सेप इसमें दो एंटीबॉडी लगेगी, ठीक है डाइवेलेंट, ये डाइवेलेंट। कितने इसमें पैराटोप कितने होंगे, चार पैराटोप, समझ में आ गया होगा, तो फोर पैराटोप, फोर पैराटोप, डाइसल्फाइड बॉन्ड टोटल 32, टोटल 32 हो गया पैराटोप, टोटल 32 डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेंगे इसमें। इसमें ही इतना याद रखना है, सीक्रेटरी है, ये प्लेसेंटा से क्रॉस करती है, ये सबसे ज्यादा ये होती है, इसका परसेंटेज 10-15% बहुत ज्यादा नहीं है, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। इसके बाद आई जी ये हो गया, अगली एंटीबॉडी कौन सी है, आई जी टी एंटीबॉडी कौन सी होती है, डेल्टा, डेल्टा वाली, इसमें डेल्टा हैवी चेन है, ठीक। और ये क्या है, इसका कोई विशेष रोल नहीं है, इस एंटीबॉडी का कोई स्पेसिफिक विशेष फंक्शन नहीं होता है, इतना याद रखिए। ये क्या है, ये भी मोनोवैलेंट है, क्या है ये मोनोवैलेंट है, इतना याद कर लीजिए बस, ठीक है, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है इसका। एपी लेम्बर एक्ट में एक्टिवेट करता है कौन, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एपी लेम्बर एक्ट कौन है, मोनोवैलेंट है, इतना याद रखना है। यस, आगे देखिए, तीसरी एंटीबॉडी कौन सी होती है, आई जे एम, आई जे एम में न्यू हैवी चेन होगी, ठीक है न्यू हैवी चेन। अब आई जे एक चीज और लिख लीजिएगा, बताइए क्वेश्चन, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, फर्स्ट टाइम इम्यून रिस्पॉन्स, हैवी चेन, अरे हैवी चेन नहीं, मैं एंटीबॉडी पांचों में से पूछ रहा हूँ, कौन सी एंटीबॉडी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, IgM होती है, सबसे पहले यही बनती है, ये एंटीबॉडी सबसे पहले आपकी बॉडी में बनेगा, और फर्स्ट टाइम जब इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बॉडी से दिखाएगी, पहली बार इन्फेक्शन होगा या वैक्सीन दी जाएगी, बातें की होती है, तो IgM तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि इसकी संख्या IgG से ज्यादा रहती है, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहले यही बनती है, फर्स्ट फॉर्म एंटीबॉडी, बॉडी में सबसे पहले यही एंटीबॉडी बनती है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ में आया। ये पेंटावेलेंट है, कैसी है ये पेंटावेलेंट, समझ रहे ना, सबसे बड़ी आईजीजी के ऊपर लिखेगा स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, जहां आपने आईजीजी लिखा ना उसमें दो पॉइंट और बढ़ाइए आईजीजी वाले में, पिछले सबसे पहले जो आईजीजी थी उसमें लिखेगा स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, सबसे छोटी एंटीबॉडी, सबसे छोटी कौन सी होती है, IgG होती है, और एक पॉइंट और पढ़ाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, पता है ना सेकेंडरी में IgG सबसे ज्यादा हो जाती है, पढ़ा लीजिएगा, अरे पढ़ा लो, देख क्या रहा हूँ, लिखिएगा उसमें IgG वाले में दो पॉइंट पढ़ाइए, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, पहला पॉइंट लिखिएगा उसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा लिखिएगा स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ये कैसी है, सबसे छोटी एंटीबॉडी, ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है IgM, ये है लार्जेस्ट एंटीबॉडी, सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, ठीक, और ये कैसी है, पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट समझते हैं, देखिए पेंटावेलेंट का मतलब ये है, ये देखो पांच वाई सेप स्ट्रक्चर लगेगा इस पर, एक इधर देखिए इस तरीके से, ये हो गया, बना लीजिएगा जल्दी से इसको, तीन हो गया ये इस तरीके से, चार और एक ये पांच, फाइव,
पेंटावेलेंट है, आप समझ सकते हैं कि 80 डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा इसमें। कितने पैराटोप होंगे इसमें? 10 पैराटोप, ठीक है, 10 पैराटोप लिख लीजिएगा, 10 पैराटोप। वो डायग्राम बनाना पेंटावेलेंट समझ जाए, ये हो गया एंटीबॉडी। अब एक इसमें बचेगा IgE, ठीक है, IgE, ठीक है। IgE में एप्सिलॉन होता है हैवी चेन, ये रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जी, जब आपकी बॉडी में एलर्जी होती है तो कौन सी एंटीबॉडी काम करती है? IgE वाली, ठीक है। इन्वॉल्व इन एलर्जी, इन्वॉल्व इन एलर्जी, यही क्वेश्चन इसमें आता है एलर्जी में। कैसी है? मोनोवैलेंट, ये कैसी है? मोनोवैलेंट, दो पैराटॉप होगा इसमें। तो इसमें याद रखिए कि डाइवैलेंट एक थी, सब मोनोवैलेंट है, दो को छोड़ दीजिए, एक डाइवैलेंट थी IgA और एक पेंटावेलेंट, बाकी सब मोनोवेलेंट है, समझ में आ रहा है? ये हो गया एंटीबॉडी से संबंधित, ठीक। अब इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा है? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, हटा दें इसको, उसको छोड़ दें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीनेशन, इस चैप्टर में समझने वाला एरिया ज्यादा है, ठीक, इम्यूनिटी वाला। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन का मतलब आपकी बॉडी में वैक्सीन इंट्रोड्यूस करा देना, चाहे इंजेक्शन से चाहे ओरली, दो ही तरीके होते हैं वैक्सीन के, या तो इंजेक्शन से चाहे ओरली, तो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना आपकी बॉडी में, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मिक्स करा रहे हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन या इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोलियो का इंजेक्शन नहीं, जो ओरल वाली होती है उसमें इंजेक्शन नहीं करते, ओरली दी जाती है, इसलिए लिखा इंट्रोडक्शन, द इंजेक्शन ऑफ एंड वैक्सीन्स, वैक्सीन्स का इंजेक्शन या इंट्रोडक्शन कहाँ है? बॉडी के अंदर, यही है वैक्सीनेशन कराना, समझ में आया। और इम्यूनाइजेशन, उससे जो हमको इम्यूनिटी मिलेगी वो क्या होता है? इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के बाद बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कराएगी ना, तो इम्यूनाइजेशन क्या है? ये है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट वैक्सीनेशन, किसके अगेंस्ट में? वैक्सीनेशन के, ठीक है। देखिए अब जो वैक्सीनेशन में कुछ जल्दी लिख रही है, वैक्सीन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? सबको पता होगा किसने डिस्कवर किया था वैक्सीनेशन? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड, एडवर्ड जेनर, ठीक है। सबसे पहला वैक्सीन कौन सा बनाया था? स्मॉल पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन सबसे पहले बना था, फर्स्ट टाइम, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन, देखिए वैक्सीनेशन की फादर यही है, इन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया सबसे पहले। वैक्सीन जो होती है ये कैसे बनाई जाती है ये देख लीजिए, तो वैक्सीन के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, तीन तरीके की वैक्सीन होती हैं। पहला होता है, कौन सा नाम बताइए? फर्स्ट जनरेशन, पहली क्या है? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, और सेकंड क्या है? सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और थर्ड होता है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, में आ पहली पीढ़ी की वैक्सीन, दूसरी पीढ़ी और थर्ड जनरेशन। कोई बताएगा वैक्सीन बनाई कैसे जाती है, वैक्सीन में होता क्या? तो पहले देखिए वैक्सीन में ऐसे समझ लीजिए, अभी मैं इसको तीनों को बताऊंगा। वैक्सीन में जैसे मान लीजिए जिस पैथोजन से बीमारी होती है, रोग, उस रोग के पैथोजन को, जैसे टाइफाइड की वैक्सीन बनानी है, टाइफाइड का बैक्टीरिया ले लेंगे,
उसको या तो पूरी तरीके से मार देंगे, कैसे मारेंगे, केमिकल से, टेम्परेचर से, पीएच ट्रीटमेंट से मार देंगे, कुछ कर नहीं पाएगा वो, या तो इसको थोड़ा सा वीक कर देंगे, अलमरा कर देंगे, हाफ किल्ड, या तो फुल किल्ड कर देंगे या हाफ किल्ड कर देंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आप बॉडी में डाल देंगे, हो गया वैक्सीन, भाई वैक्सीन हो गया। ये सबसे सिंपल वैक्सीन बनाने का तरीका है, इसी को फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो वो जब बॉडी में जाएगा, मरा हुआ पैथोजन या अधमरा पैथोजन आपकी बॉडी में जाएगा, तो बीमारी तो नहीं कॉज करा पाएगा, समझ में आया, बीमारी नहीं कॉज कराएगा, लेकिन करेगा क्या, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को जगा देगा कि बाहर से कोई एक चीज आ गई जो आपके से क्या है, आपके लिए नहीं है, समझ में आया, फॉरेन है, फॉरेन समझते हैं जो बॉडी के लिए नहीं है, अपने दुश्मन, तो अपना दुश्मन है वो, बॉडी के आपके इम्यून सिस्टम तुरंत जाग जाएगा, जागेगा कैसे, आपकी बी सेल क्या करेंगे, तुरंत उसको मैं पहचान लेंगे, पहली बार नहीं पहचान सकते, वैक्सीन जब बॉडी में डाली जाती है, देखिए ये है वैक्सीन बनाया, फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया, क्या किया गया, इंजेक्ट, तो आपकी जो बी सेल होती है, बी सेल इसको पहचानेगी नहीं, अभी बी सेल इसको फॉरेन समझेगी, अभी विदेशी चीज मानेगी, बी सेल रिकॉग्नाइज अभी पहचान फॉरेन, केवल मानेगी कि बाहर से कोई आजनी चीज बॉडी में आ गई है जो आज तक कभी नहीं आई थी, ठीक, तो इसके खिलाफ में क्या करेंगे, तुरंत एंटीबॉडी बनाएंगे, तुरंत अपना हथियार रेडी कर लेंगे एंटीबॉडी, ठीक है, बना लिया, इसके बाद में एक मेमोरी सेल भी रेडी कर दिया, अगली बार आएगा तो उसने रोट दिया जाएगा, ठीक है, और ये एंटीबॉडी इसको मार देंगे, एंटीबॉडी तो आ गई है, इसको किल करा देंगे, किल क्या करा देंगे, मरा हुआ पैथोजन है तो उसको मारना क्या, तो पहले से मरा हुआ है कुछ कर नहीं सकता बॉडी में ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, मेमोरी सेल है, किसकी मेमोरी सेल है, टाइफाइड का पैथोजन आया, आपने टाइफाइड की वैक्सीन बनाई, टाइफाइड एंटीबॉडीज दिया, उसकी मेमोरी सेल बनी है, अब ये पहचानेंगे किसको, जो टाइफाइड को पहचानेंगे, अब दोबारा आपको वैक्सीन लग चुकी है, दोबारा बॉडी पर आपके टाइफाइड पैथोजन अटैक करेगा, रास्ते से जाएगा बॉडी में, तुरंत आपकी बॉडी की मेमोरी सेल पहचान लेंगे, एक बार तो ये आ चुका है, ठीक है, एक बार ये आ चुका है, मरी हुई अवस्था में आया था, इसके लिए हमारे खिलाफ में क्या है, मेमोरी सेल बन चुकी है, पहचानेंगे इसको, मेमोरी सेल का डेट भी होता है, हाँ तो मेमोरी सेल का डेट होता है, बात सही है, लेकिन जो वैक्सीन होती हैं, ठीक है, बहुत जैसे वैक्सीन को सुपर बार बार बूस्टर डोज भी लगाया जाता है, और सर जी जब बच्चा यहाँ इस मेमोरी सेल और एक नेचुरल जो आपकी बॉडी में मेमोरी सेल बनती है उसमें अंतर होता है, अगर नहीं ऐसा अंतर नहीं होता तो एक बार वैक्सीन लगा दी गई फिर पता लगा महीने बाद फिर से तो लगाई नहीं जाएगी, ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी सेल बन जाती है, क्योंकि जो भी वैक्सीन लगती है परमानेंट लगती है, समझ में, बूस्टर डोज जो लगाई जाती है वो थोड़ा सा पावर बढ़ाने के लिए लगाई जाती है और कुछ नहीं, और सर जो बचपन में लगाई जाती है बाद में शरीर वैसे मजबूत कुछ हो जाता है, नहीं मजबूत हो जाता है, ये बात नहीं, बीमारी आपको हो सकती है, अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो आपको डिजीज हो जाएगा, नहीं सर बचपन में वैक्सीन की वजह से सेफ है, और जब एज बढ़ जाता है तो अगर इफेक्ट आपका इम्यून सिस्टम भी आपको सेफ कर रहा है, लेकिन वैक्सीन भी आपको सेफ कर रही है एडल्ट स्टेज पे, दोनों काम करते हैं, तो मेमोरी सेल लॉन्ग लास्टिंग होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, याद रखिएगा, डिस्ट्रॉय हो जाती है कैसे काम करते हैं, क्योंकि सर तभी तो यंग रहने पर कम बीमारियां होती है ना बचपन में या बुढ़ापा में, देखिए फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होती है, इनको बोलते हैं ट्रेडिशनल वैक्सीन, क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल समझते हैं, पारंपरिक जो पहले से लेकर के बहुत पहले से बनी है, शुरुआती वैक्सीन है, आज भी इनको हम लोग यूज करते हैं, पारंपरिक है, ठीक है, ट्रेडिशनल, ये कैसे बनाई जाती थी, इसमें पैथोजन को वीक, ये थी किल्ड या फिर एटीन्यूटेड वैक्सीन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, किल्ड वैक्सीन या फिर एटीन्यूटेड, समझते क्या होता है, वीक पैथोजन को मार देना पूरी तरीके से, किल्ड का मतलब पैथोजन को क्या कर देंगे, किल, इसमें किल्ड पैथोजन यूज किया जाएगा, या तो पैथोजन को पूरी तरीके से मार के यूज करेंगे, या तो उसको हाफ किल्ड का मतलब वीक करके, उसको वीकेंड पैथोजन को एकदम वीक कर देंगे ताकि वो कुछ ना कर सके आपकी बॉडी, वही होता है एटीन्यूटेड वैक्सीन, समझ आया, कौन कौन सी वैक्सीन ये है, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल याद रखिए ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन,
जो पोलियो की दवा पिलाई जाती है, कौन सी वैक्सीन है, फर्स्ट जनरेशन है, पोलियो का वायरस वीक करके डाला जाता है, मार के नहीं डाला जाता है, वीक करके टेम्परेचर से, पीएच से, ठीक है, हीट से उसको वीक करेंगे। दूसरा होता है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन भी यही है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन यही है, समझ में आया। बीसीजी वाला वैक्सीन भी यही है, बीसीजी का जो वैक्सीन वो यही वैक्सीन था, ट्रेडिशनल वैक्सीन है, समझ में आ रहा है। ज्यादातर सब ट्रेडिशनल ही है, पुरानी वाली फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। अब देखिए इनके कुछ ड्रॉबैक थे इन वैक्सीन से, ये जो वैक्सीन थी इनको बनाने में समस्या ये थी, पूरा पैथोजन नहीं ले लिया जाता, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा सुधार किया गया वैक्सीन बनाने में, सुधार ये किया गया, जैसे मान लीजिए ये पैथोजन है, पैथोजन समझ रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया, इससे हम वैक्सीन बनाने जा रहे हैं तो इसको मार देंगे या फिर इसको क्या कर देंगे, हाफ किल कर देंगे, ठीक है। इस वाले में ऐसा नहीं करते, इस वाले में क्या करते हैं, प्रोटीन्स ली जाती हैं, प्रोटीन समझ रहे ना, जिससे ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर करता टाइफाइड, तो क्या करता है, क्या करता है, बीमारी कैसे कॉज कराता होता है, कोई पैथोजन आपकी बॉडी में गुस्सा कैसे डिजीज कॉज कराएगा, नहीं कॉपी तो पढ़ाएगा, कॉपी पढ़ा करके क्या वो, और फिर क्या करेगा, टॉक्सिन बनाएगा, पॉइजन, जहर बनाएगा, टॉक्सिन, समझते हैं ना, ऐसा जहर नहीं, ये नहीं कि आपकी डेथ हो जाएगी, वो वाला जहर नहीं, टॉक्सिन बनाता है, तो पैथोजन प्रोड्यूस द टॉक्सिन, वो टॉक्सिन बनता कैसे है, डीएनए से, कैसे बनता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है, पूरे डीएनए से नहीं बनता, एक जीन से बनता है, किससे बनता है, छोटे से पार्ट जिसको आप बोलते हैं जीन, इस बैक्टीरिया में छोटा सा सेगमेंट है, इसको क्या बोल रहे हैं, जीन, इस जीन से क्या बनता है, टॉक्सिन बनेगा, ये टॉक्सिन आपकी बॉडी में बीमारी कॉज कराएगा, डिजीज, ठीक है। तो इसमें पूरा पैथोजन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पैथोजन यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, जिस वजह से बीमारी हो रही है, जिस कारण से बीमारी हो रही है, उसको उसी को यूज कर लीजिए सीधे, क्या जरूरत है पूरा पैथोजन जो है बॉडी में डालने, हो सकता है और कोई समस्या बॉडी में क्रिएट हो सकती है उससे, ठीक है। तो इसमें से इसमें क्या करते हैं, या तो हम एक काम करते हैं कि जो पैथोजन होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन बनाते हैं, टॉक्सिन क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है, तो टॉक्सिन या जो प्रोटीन बनाते हैं इससे बीमारी होती है, उस टॉक्सिन को क्या कर दीजिए, आप वीक कर दीजिए, टॉक्सिन को थोड़ा सा वीक कर दीजिए, ताकि वो कोई समस्या क्रिएट ना करे, फिर बॉडी में डाल दिए, समझ में आया, बॉडी में क्या कर दिया, इंजेक्ट करा दिया। यहाँ पर एक चीज लिखना है कि सेकंड जनरेशन में क्या करते हैं, टॉक्सिन्स या फिर प्रोटीन्स, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मतलब इंजेक्ट कराएंगे इन बॉडी, बॉडी के अंदर कराएंगे, ठीक है, इन वीकेंड फॉर्म, इसमें वीक इंजेक्ट है, वीकेंड फॉर्म मतलब उसको वीक करके, और टॉक्सिन को जब वीक किया जाता है तो उसके लिए बोला जाता है डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन, ऐसा टॉक्सिन जो डिटॉक्सिफाइड हो चुका है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा बॉडी में, लेकिन बॉडी में जब चाहेगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो वीकेंड टॉक्सिन को बोलते हैं, देख लिख लीजिएगा लोग, वीकेंड, वीकेंड का मतलब जो वीक किया गया है टॉक्सिन, उसको क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफाइड, डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन सेकंड जनरेशन वैक्सीन का एक नाम और होता है सब यूनिट वैक्सीन, देख लीजिएगा, ऑल्सो कॉल्ड सब यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड सब यूनिट, जानते हैं सब यूनिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि पूरा पैथोजन तो यूज नहीं कर रहे हैं, उस पैथोजन से हमने क्या ले लिया, प्रोटीन ले लिया, उससे ले लिया टॉक्सिन, उसका एक हिस्सा लिया, हमने उसका एक यूनिट लिया, अब पूरा पैथोजन नहीं यूज किया है, उसका एक छोटा सा पार्ट हम यूज कर रहे हैं, सब यूनिट उसी को तो बोलते हैं, सब यूनिट वैक्सीन बोल रहे हैं। थर्ड एक काम तो ये हो गया, ठीक है, एक काम और करते हैं सेकेंड जनरेशन में, देखिएगा सेकेंड जनरेशन में एक काम और करते हैं, मान लीजिए ये है, देखिए ये पैथोजन है, इसमें ये डीएनए हो गया, ठीक है, पैथोजन से हमने, इस पैथोजन से हमने क्या किया था, इससे टॉक्सिन आइसोलेट कर लिया था, उस टॉक्सिन को हमने वीक कर दिया था, ये काम, डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है,
केवल क्या किया उसको बैक्टीरिया से नहीं, बैक्टीरिया को भी नहीं किया, बैक्टीरिया जो जहर बनाया उसका जो टॉक्सिन नेचर ठीक है। एक काम और कर सकते हैं कि जो टॉक्सिन आखिर कहीं डीएनए से तो बनता है, टॉक्सिन कहाँ से बना से, तो इसमें एक काम और करेंगे कि डीएनए को सेगमेंट को आप बाहर निकालो जिससे टॉक्सिन बन रहा है, जिससे टॉक्सिन बना उस जीन को, जीन को निकाल लीजिए और उस जीन को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अगर बायोटेक्नोलॉजी सामने पढ़ रखा होगा, एक प्लाज्मिड लाते हैं, प्लाज्मिड में इस जीन को जोड़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा, क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा, इसको ईस्ट सेल में भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, ईस्ट सेल में, और ईस्ट सेल में जब ये प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला जो जीन आपने भेजा है साथ में इसके, ये जीन मल्टीप्लाई करेगा और जीन क्या बना देगा, टॉक्सिन। या तो आप ये बैक्टीरिया से नेचुरल टॉक्सिन ले लीजिए जो बनाया उसने रेडीमेड ठीक है, उसको बीन कर दो, या तो जीन को निकाल करके बाहर टॉक्सिन बनवा लो, जीन को निकाल लीजिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से टॉक्सिन बाहर बना लीजिए, प्लाज्मिड की मदद से बना लीजिए, फिर उसको बीन करके बॉडी में डाल दीजिए, वो भी तरीका है ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है कि नहीं की जा रही है बताइए इसमें, है ना, बताओ ना बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, जीन क्लोनिंग, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है जीन को ही निकाल करके, जीन का सेगमेंट जीन को निकाल करके उसको एक प्लाज्मिड की मदद से हमने मल्टीप्लाई किया, उससे टॉक्सिन बाहर बना लिया, एक था नेचुरल उसने बनाया था, हमको बस टॉक्सिन चाहिए, सेकंड जनरेशन में हमको चाहिए क्या, टॉक्सिन चाहिए, उसको चाहे जैसे ले टॉक्सिन, उसको भी करके बॉडी में डाल दीजिए बस, समझ में आ रहा है। इसीलिए इनका एक नाम और होता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, क्या बोलते हैं, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी से नहीं बनती है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद नहीं जा रही है, समझ में आ रहा है। कोरोना का वैक्सीन में कई, कोरोना में कई तरीके का वैक्सीन बनाया गया है, तो एक तरीके का नहीं है, ये भी है बच्चा बनाया गया है, बीन करके भी डाला गया ठीक है, किल्ड करके भी, और ये इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आसान काम नहीं बायोटेक्नोलॉजी से बनाना, समझ में आया, वो तो आसान है तुरंत उसको हिट किल्ड कर दीजिए, ये कठिन काम होता है, इसीलिए सेकंड जनरेशन ये उसके बाद इंप्रूवमेंट हुआ इसमें थोड़ा सा, तो इसको क्या बोलते हैं सेकंड जनरेशन कराने दो आइडिया, क्या हां दो आइडिया, या तो टॉक्सिन को जीन ट्रांसफर जीन को डायरेक्ट बैक्टीरिया से ले लीजिए लीक करा दे, या तो जीन को निकाल करके बाहर टॉक्सिन बना लो, उसको भी मेन टॉक्सिन होना चाहिए प्रोटीन टॉक्सिन कमजोर, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोला जाता है। एग्जांपल लिख लीजिएगा हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है बी वाला, ए वाला नहीं बी ठीक, हाइली डेंजरस डिजीज है हेपेटाइटिस बी, उसका वैक्सीन कौन सा है सेकंड जनरेशन, और एक है आपका डीपीटी का जो टीका बनता है बच्चों को लगता है, तीन बीमारियों का टीका है डिप्थीरिया पेट्रोसिस और टिटनेस, उसी से बनता है, समझ में आ रहा है, डीपीटी वैक्सीन सेकंड जनरेशन का। इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि पोलियो वैक्सीन कौन सी जनरेशन की वैक्सीन है, पोलियो में क्या यूज किया जाता है, पोलियो के वायरस को वीक किया जाता है, मारा नहीं जाता कभी, करके इंजेक्ट करते हैं। थर्ड जनरेशन में और थोड़ा सा सुधार किया गया, सुधार ये किया गया इसमें टॉक्सिन वॉक्सिन कुछ लेते नहीं है ठीक है, और इसमें क्या करते हैं बस ट्रांस समझ लीजिए, इसमें क्या करेंगे, ये मान लीजिए पैथोजन है टॉक्सिन नहीं लेंगे, इसमें याद रखिए बैक्टीरिया से टॉक्सिन नहीं लिया जाएगा, बैक्टीरिया को पूरा यूज नहीं किया जाएगा, टॉक्सिन को क्या करेंगे, जो इसमें जीन थी जिस जीन से टॉक्सिन बन रहा था उसी जीन को निकाल लीजिए बाहर, बाहर तो उसमें भी निकाला था, लेकिन इसको बाहर निकाल करके काम करना है प्लाज्मिड में आप जोड़ लीजिए, प्लाज्मिड समझ आए ना सबको पता ना, प्लाज्मिड जीन को क्लोन कराने के लिए प्लाज्मिड यूज कर देना, अभी तक सेम है, अभी तक का प्रोसीजर पिछले से सेम है, जीन को निकाला जिसकी वजह से टॉक्सिन बन रहा था उस जीन को प्लाज्मिड में जोड़ लिया ठीक, क्योंकि ये जीन देखिए किसी भी जीन को प्लाज्मिड में इसलिए जोड़ते क्योंकि जीन अकेले मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है बिना प्लाज्मिड ठीक है, जोड़ लिया यहाँ पर, अब इसको ले जाकर के बॉडी में ट्रांसफर करते इंजेक्ट, मतलब इसको ईस्ट में नहीं भेजेंगे, इससे हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, अभी तक इसमें क्या करते थे इसमें इसको जोड़ा एक ईस्ट सेल में भेजा होस्ट सेल में, उसमें जाकर के वो अपना पॉइजन बनाएगा टॉक्सिन बनाएगा उसको लेकर के तब इंजेक्ट कराएंगे, ये क्या है सीधे इसको भेज दिया, ये बॉडी में जाके अपना काम करेगा, बॉडी में पहुंचेगा जिसकी बॉडी में भेजा जाएगा ये वैक्सीन बन गया है ठीक, इसको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे बॉडी में जाएगा और वहां जाकर के ये टॉक्सिन वहां बनाएगा, जो काम बाहर हो रहा था अभी बॉडी के अंदर ही शुरू करेगा,
यहाँ पर केवल क्या यूज करते हैं, जीन यूज किया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं डीएनए वैक्सीन। थर्ड जनरेशन क्या बोलते हैं? डीएनए वैक्सीन। इनको डीएनए वैक्सीन, इसमें टॉक्सिन नेचुरल फॉर्म में नहीं लेते, इसमें डीएनए को लेते हैं, जीन को लेते हैं, वहां से समझ में आ रहा है। और क्या करेंगे, सीधी लिखिएगा, जीन आइसोलेट करते हैं, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम पैथोजन। पैथोजन से जो हमने जीन निकाला उसको क्या करेंगे, इंजेक्ट एंड बॉडी, इसको बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, इससे बाय हेल्प ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की मदद से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना करके उसको बॉडी में भेज दिया जाएगा, वो अपना काम बॉडी के अंदर करेगा। थर्ड वाला क्या किया? थर्ड वाले में हमने केवल जीन को निकाला, एक होस्ट एक प्लाज्मिड में जोड़ लिया, जोड़ता इसलिए क्योंकि वो जीन अकेले बॉडी में कुछ कर नहीं पाएगा। जब जीन कहीं भेजा जाता है ना बाहर, बॉडी से सेल्स निकाल के जीन को कहीं पर भी भेजेंगे, अभी प्लाज्मिड की मदद नहीं करेगा, तब वो रेप्लिकेट कर सकेंगे और उसको बनाए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब उसको वैक्सीन के तौर पर यूज कर रहे हैं बॉडी में। ये भी तो सेकंड अभी तक क्या समझ में आया, अभी तक मैं यही समझा रहा था। सेकंड में और थर्ड में डिफरेंस है, सेकंड में दो चीजें हैं, देखिए सेकंड में या तो बैक्टीरिया से पैथोजन से टॉक्सिन ले लीजिए, उसको भी कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या था, एक जीन निकालिए, निकाल के जो टॉक्सिन खत्म करें निकाल करके उसको आइसोलेट किया, प्लाज्मिड में जोड़िए, उसको बाहर ही मल्टीप्लाई करा के बाहर ही टॉक्सिन बनाइए, तब वैक्सीन के फॉर्म में भेजिए। बाहर ही टॉक्सिन बनाइए, तब बाहर ही प्रोटीन बनती है, तब बॉडी में भेजा जाता है। यहाँ क्या है, जीन को सीधे बॉडी में भेजिए, नुकसान नहीं करेगा, उसको वीक करके टेक्निक है, उसको वीक करके भेजेंगे, लेकिन इसमें इतना ही कि इसमें डायरेक्ट जीन को भेजा जाता है, ये वीक करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे सभी काट के निकाल के उसको कमजोर करके नहीं किया, उसी वक्त पूरा भेज दिया जाता है, लेकिन उसको भी किया जाए क्योंकि बॉडी में अगर नेचुरल तरीके से बिहेव करेगा तब तो डिजीज कॉज करा, वही तो भी कैसा नहीं होता सर। जो इसने पॉइंट बता दिए कौन सा है, बस बस वही बताने जा रहे हैं, एक सेकंड लिखने हैं वो बताइए, वो टॉपिक जानते किस में है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में है, उसको इसी के बाद बताते हैं। मिटा दीजिए, आज देखिए मैंने एक चीज आपको बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स बताए थे, एक्टिव एक्वायर्ड में बोला था कि इम्यून रिस्पांस दो तरीके का होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और सेकेंडरी। इस टॉपिक को और समझ लीजिए बस, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव, ठीक है, उसको समझ लीजिए। मतलब बर्थ के बाद जो आपको इम्यूनिटी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड या एडेप्टिव, वो दो तरीके से। एक होती है एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी इम्यूनिटी, ठीक है, और एक क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी। इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। एक्टिव इम्यूनिटी ये होती है, जान तो देखिए ये इम्यूनिटी कब मिलेगी, इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरोधक क्षमता, ये इम्यूनिटी बॉडी में आपको कब मिलेगी, कब मिलेगी बॉडी, देखिए अगर बॉडी में आपने कोई नेचुरल पैथोजन एंटर किया है, जरा देख रही है पैथोजन नेचुरल है, हाँ नेचुरल एंटर, हाँ एंटर नेचुरल बॉडी में पैथोजन एंटर कर गया, या तो आपने बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट करा दिया, ठीक है, और इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन, जब वैक्सीन बॉडी में डाल दी गई है तो बॉडी में आपकी एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव का मतलब समझ लें आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी। आपको एक होता है कि आप मेहनत करके सफलता ले लीजिए, एक होता है डायरेक्टली कई करोड़ से सफलता मिल जाए, रेडीमेड पका पकाया माल मिल जाए, तो पका पकाया पैसे होता है और आपको मेहनत की जाती है, आपकी बॉडी मेहनत करती है इम्यूनिटी डेवलप कराने में, पैथोजन आपकी बॉडी में घुसता है, आपकी बॉडी की बीस क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, मेहनत लगती है। इसका मतलब ये सर कि ऐसा भेजा गया कि जिसको कुछ नहीं किया गया ये हमारा शरीर ही मार, आपका ही शरीर इसमें कुछ ना कुछ करेगा, आपका शरीर इम्यूनिटी डेवलप कराएगा, वो होती है एक्टिव, आपका शरीर एक्टिव है, आपकी शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, समझ में आया। यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी हमारा शरीर है, एंटीबॉडी सिंथेसिस जो सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी इटसेल्फ,
वाली बात बॉडी सल्फोलिक फुट जो एंटीबॉडी बनाते हैं और ना दो तरीके से होगा एंटीबॉडी यहां क्या होता है पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाती है रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है ठीक है रेडीमेड एंटीबॉडी बनी बनाई तो रेडीमेड एंटीबॉडी एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है बाहर से बना के डाल इंजेक्ट का मतलब बॉडी में बाहर से दी जाती हैं ठीक है यहाँ आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है जगा हुआ रहता है सचेत रहता है ठीक है तो इम्यून सिस्टम क्या रहता है इसमें इम्यून सिस्टम काम करता है ना इम्यून सिस्टम इसमें आपका एक्टिव रहेगा और इसमें सोया हुआ रहेगा पैसिव पैसिव रहेगा मतलब एक्टिव नहीं रहेगा बाहर से बना बनाया माल आ रहा है क्या दिक्कत एंटीबॉडी तो चाहिए ना पैथन को मारने के लिए एंटीबॉडी या तो बॉडी बनावे या तो बाहर से रेडीमेड मिल जाए हमारी इम्यूनिटी का कोई रोल ही नहीं होता बता रहे ये स्लो नेचर है क्योंकि बनाने में समय लगता है लेकिन अच्छा होगा ठीक है लॉन्ग लास्टिंग है जो चीज धीरे धीरे बनती है और लंबे समय तक काम करती है ये क्या होती है ये वाली इम्यूनिटी आपकी स्लो है धीरे धीरे काम करती है एंड लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक काम करती है वैक्सीन बॉडी में डाल दी जाए एक लंबे समय तक काम करेगी लेकिन वैक्सीन को डेवलप होने में टाइम लगता है बॉडी के अंदर ज्यादा समय तक काम नहीं करती बहुत तेज काम करेगी इंस्टेंट एक्शन इससे एलर्जी इससे कोई समस्या नहीं होती है ये हार्मफुल है ही नहीं बॉडी के लिए वो कभी कभी आपकी बॉडी में एलर्जी कॉज कर सकती है पैसिव इम्यूनिटी ठीक है जब रेडीमेड एंटीबॉडी डाला जाएगा तो हो सकता है इम्यून सिस्टम आपका क्या हो जाए एक्टिव हो जाता है तो नो साइड इफेक्ट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ठीक है और मे भी इसमें साइड इफेक्ट हो सकता है रेडीमेड वाले में एग्जांपल देख लीजिए इसके एग्जांपल तो क्या है कोई बॉडी में वैक्सीन डाल दीजिए हो गया एक्टिव इम्यूनिटी या नेचुरल टाइप का वैक्सीन का आपको एक्टिव मिल गई उसका एग्जांपल देखना इसके एग्जांपल में इसके नहीं होंगे इसका एग्जांपल तो सामने आपके देख रहा है इसका एग्जांपल तो दिख ही रहा है ना कि बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट कराई गई है या तो बॉडी में कोई नेचुरल अटैक हुआ है पैथोजन का ठीक है यहाँ पर क्या होता है किसी भी बीमारी का जैसे टिटनेस रैबिस रैबिस कुत्ता जब काटता है तो उसका इंजेक्शन लगाया जाता है उसके पहले रेडीमेड मतलब समस्या होने के बाद में ये समस्या होने के पहले वैक्सीन समस्या होने के पहले दी जाती है प्रिकॉशन के लिए दी जाती है वैक्सीन को ट्रीटमेंट थोड़ी नहीं होता वैक्सीन कौन सा प्रिकॉशन है समझ में आया तो इसमें क्या होता है एंटीबॉडी एंटीबॉडी फॉर रैबीज जो रैबीज का इंजेक्शन होता है रैबीज वायरस के लिए एंटीबॉडी दी जाती है तो एंटीबॉडी को बाहर बनाया जाता है उस वायरस के अगेंस्ट में तो रेडीमेड एंटीबॉडी होती है डॉग बाइट के केस में ये सब इफेक्ट करने के बाद हाँ इन्फेक्ट करने के बाद उसके बाद टिटनस टॉक्साइड सॉरी टिटनस एंटीसीरम टिटनस का इंजेक्शन दिया जाता है दिया जाता ना टिटनस का इंजेक्शन रेडीमेड एंटीबॉडी होती है कौन जा रहा है और स्नेक एंटीविनम स्नेक एंटीविनम एंटीविनम समझ सांप काटने के बाद में जो दवा दी जाती है वो एंटीबॉडी ही है ठीक है और कोई एक और है जो बच्चे को मदर से मिलती है रेडीमेड एंटीबॉडी मिलती है नहीं मिलती है कोलेस्ट्रॉम के थ्रू जो एंटीबॉडी क्वेश्चन आता है कि हाँ सुन लो कोलेस्ट्रॉम कोलेस्ट्रॉम में जो एंटीबॉडी आती है वो एक्टिव इम्यूनिटी देती है कि पैसे देती है ऐसे बनी बनाई एंटीबॉडी जो है मिल्क के थ्रू आ रही है तो कोलेस्ट्रॉम की एंटीबॉडी
एंटीबॉडी ऑफ कोलेस्ट्रॉम, समझ में आया। इसके बाद जो आईजीजी एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा से क्रॉस करती है, मतलब फीटस को यूट्रस लाइफ में जो इम्यूनिटी मिलती है वो फैसिल मिलती है, बनी बनाई एंटीबॉडी जाती है ना, आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा की थ्रू जाती है बच्चे में, नहीं जाती है, फैसिबिलिटी है ना, उसका इम्यून सिस्टम कुछ नहीं करेगा, उसको रेडीमेड एंटीबॉडी मदर से मिल रही है। तो आईजीजी एंटीबॉडी एंटीबॉडी क्रॉस थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो एंटीबॉडी मिलती है वो भी पैसे लेते हैं, पैसे के एग्जाम्पल। इसमें इम्यून सिस्टम बॉडी का एकदम कुछ करना नहीं है, बाहर से एंटीबॉडी मिल रही है तुरंत इंस्टेंट एक्शन होगा। टिटनेस का दो चीजें होती है, याद कर लीजिए, टिटनेस का एक डीपीटी का जो टीका लगता है उसमें भी टिटनेस है, ये प्रोटीन है, ये सेकेंड जनरेशन का वैक्सीन है, इसमें टिटनेस का टॉक्सिन को वीक करके बॉडी में दिया जाता है, ठीक है, डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन। और जो टिटनेस आमतौर पर जो लगवाते हैं लोग आयरन लगने के बाद, वो कौन सा वाला होता है, वो ये वाला टिटनेस एंटी, दो इंजेक्शन आता है, टिटनेस टॉक्साइड होता है और टिटनेस एंटी सीरम, समझते हैं ना, टॉक्साइड वाला वैक्सीन है पहले लगाया जाएगा क्योंकि वो टॉक्साइड है, डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन है, और टिटनेस एंटी सीरम, एंटी सीरम क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी जो आप लोग यूज करते हैं जनरली, ठीक है, आयरन करने के बाद, तो वो ये वाला। तो दो तरीके का, दो तरीके का, फिर ये अगर टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन हम लगवाए कुछ कटे तब नहीं बाद में लगवाना पड़ेगा, नहीं बात तो सही है, लेकिन ऐसा है ना कि उसका एक इफेक्टिव टाइम होता है, इसी वजह से सारे वैक्सीन का ऐसा नहीं होता कि पूरा एकदम लॉन्ग लास्टिंग काम, इसी वजह से जब कटता तभी लगवाया जाता है। एक बार इतना जान लीजिए, आज आपने सुन लीजिए, आज आपने जो रेडीमेड इंजेक्शन आता है टिटनेस वाला आज लगवा लिया है, कम से कम 5-6 महीने तक वर्क करता है, कल को फिर आयरन लग गया तो लगवाने की जरूरत नहीं है, 6 महीने तक इफेक्टिव होता है, कौन सा वाला, वो आया वो रेडीमेड वाला भी 6 महीने तक इफेक्टिव कम से कम। तो अगली बार क्या पढ़ते आना, लिम्फोइड पढ़ के आइएगा, चैप्टर नेक्स्ट टाइम खत्म किया जाएगा।